पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी रखना बड़ा डिफिकल्ट है। बेहद ही खूबसूरत नज़ारे, इस नज़ारे को जब अपनी गार्डन, चलो इधर से चलना है पैदल पैदल। यहाँ पे सीढ़ी दी गई है। अरे तेरी की क्या हवा चल रही भाई। जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं फोटोग्राफी के लिए, सबसे अच्छा तो बुद्धा जी लग रहे हैं। अभी कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा, खूबसूरत लोकेशन पर है ये दलाई हिल्स। हे गाइस, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल व्लॉग्स रॉल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो आज मैं आप लोगों को सूरी का दलाई हिल्स लेके जाने वाला हूँ, जो कि बेहद खूबसूरत लोकेशन पर है। वो तो वहीं चलकर आप लोगों को जब दिखलाऊंगा तो ही आप बोला राहुल भाई आपने क्या खूबसूरत जगह दिखलाया करके। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है, देखो मेरे पीछे साइड में पूरे बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं और बेहद खूबसूरत नजारे हैं। तो यहाँ से वही 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो चलिए निकलते हैं। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से दलाई हिल्स। पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी रखना बड़ा डिफ़िकल्ट है, हालत ख़राब हो जाती है मोड़ने में निकालने में। देन कौन सी रूट पर है गूगल माता कुछ बोले तो, यही वाली रूट है। यहाँ से हम लोग आए थे वाटरफॉल देखकर, तो चलो मौसम यहाँ चेंज होते जा रहा है। अभी 5 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगा। ये है टेंपल, यहीं गए थे हम लोग, बेहद खूबसूरत लोकेशन पर बना है टेंपल। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और वो भी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं उसी वाली एरिया में है दलाई हिल्स। तो आज हम लोग 4 जगह कवर कर लेंगे। एक मॉल रोड भी है, मॉल रोड जो है वो पास ही में है, तो पैदल पैदल चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बाइक अगर लेके जाते हो तो 100 रुपये चार्ज लगते हैं। अभी तो दिल्ली मुंबई कहाँ कहाँ से लोग आते हैं भाई इस जगह में घूमने के लिए, अब कार से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखो क्या नज़ारे हैं यहाँ के, बेहद ही खूबसूरत नज़ारे। इस नज़ारे को जब मैं वापस आऊँगा ना तो बहुत मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। ऐसा मन कर रहा ना कि यहीं बस जाऊँ, बट पॉसिबल नहीं है ना, जानते तो। जो इंसान जहाँ बस जाता है वो वहीं का हो जाता है, दूसरी जगह सेटल होने में बहुत वक्त लगता है। वही किस्सा हमारा भी है, अपने घर वाले को छोड़ के मैं दूसरी जगह कैसे बस जाऊँ। हाँ, घूमने फिरने के लिए आते रहेंगे। मेरी माँ याद करती है, हर दिन फ़ोन करती है और आते समय रो रही थी। आपने तो देखा ही होगा पहला व्लॉग जब केदारनाथ की यात्रा के लिए निकला था, तो 2 दिन तक तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मम्मी को समझाया, मैं भी अपने आप को समझाया कि ये घूमना फिरना और ये मेरा काम है यूट्यूब। मम्मी को अच्छे से समझाया तब जाकर मम्मी मानी। लेकिन मम्मी का वो डर ये था कि अकेले निकल रहा हूँ अभी बाइक से ऐसा शहर जो कभी हम गए नहीं हैं, कभी देखे नहीं हैं, तो इसलिए मम्मी थोड़ा सा ना डर जाती है। माँ तो माँ होती है ना, बेटा कैसा भी रहे माँ के लिए बेटा बेटी सब बराबर है। आंधी तूफान चालू हो गए यहाँ पे और क्या ठंडा ठंडा लग रहा भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है। ये पहाड़ी क्षेत्र में है ना हम लोग, यहाँ पे मौसम ऐसे ही चेंज हो जाता है। पहली दफ़ा ऐसा मौसम देख रहा हूँ मैं जो अचानक से चेंज हो गया। रावत रेस्टोरेंट ऐसा करके लिखा हुआ था वहाँ पे। देन देखते हैं और कितना दूर है। वैसे इस रोड को तो अपने को वापस आना ही था इस रोड में, क्योंकि अपना होटल इसी रोड पर है। ये देखो आंधी तूफान तेरी की गर्दा उड़ा दे रहा है भाई, गर्दा। हाथ में तो एकदम ठंड लग रही है भाई साहब। ओहो देख रहे मौसम पूरा बादल ही बादल है, लगता है आज बारिश होगा लग रहा है। एकदम ठंडा महसूस हो रहा है हाथों में, ग्लास में निकाल दिया हूँ। और वो है मंदिर, वहाँ पर हम लोग गए थे घूमने के लिए,
हमारी माता का दर्शन करने के लिए, और ऐसे पूरा पहाड़ क्रॉस करके आए हैं। और यहाँ का वेदर देखिए भाई साहब, ये मेरी बाइक 800 मीटर करके बतला रही है गूगल कंपनी गार्डन। तो इधर ही है अपना जगह, कंपनी गार्डन भी है। तो राइट ले लिए हैं जैसे कि गूगल माता हमें बतलाई है, तो बस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दलाई हिल्स। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दलाई हिल्स को देखने के लिए। देखो MH की गाड़ी है सामने में, और इधर का रोड इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चौड़ी है, चौड़ीकरण किया जा रहा लगता है। तो यहाँ से राइट लेना है फिर लेफ्ट लेना है, देख लो भाई साहब। इधर क्या है बीड़ू, अच्छा इधर होटल, देन यहाँ से लेफ्ट लेना है अपने को। देखो गूगल के सहारे हम जा रहे हैं, देखते हैं सही पहुंच पाते हैं या नहीं। पूरा ढलान है इस साइड तो, तेरे की अरे कितना दूर रह गए बड़ू। तो यहाँ से राइट 300 मीटर सीधा ही सीधा चलना है, इधर रोड का काम चल रहा है और निकल जाएगी अपनी बाइक। कितना मेहनत करते हैं उन लोग टूरिस्ट के लिए। शाबाश, होटल ही होटल है इस साइड भी भाई, देख रहे हो क्या बात है। सीधा ही सीधा चलना है फिलहाल के लिए, तो गूगल माता तो यही बता रही है, कंटिन्यू स्टेट कर रही है। ठीक है बिडू, देखो यहाँ पे इतने सारे लंगूर बैठे हुए हैं, तेरे की अरे भाई हटो यार। देख रहे लंगूर को काफी बड़े बड़े हैं। ये आ गए भाई दलाई हिल्स, यही तो है। गाइस तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं दलाई हिल्स पे, देन ये है रोड जाने का जहां से हम जा रहे हैं, और गाड़ी हमने पीछे रख दिया है। तो चलिए आप लोगों को नज़ारा दिखलाते हैं यहां का, देन फिलहाल यहीं से नज़ारा देख लो। तो उधर भी कुछ लोग गए हुए हैं भाई साहब, चलो इधर से चलना है पैदल। यहां पे दलाई हिल्स करके लिखा हुआ है, कॉफ़ी वगैरह आपको मिल जाएंगे, हर जगह आप लोगों को रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा। ये देखो इस तरह से इधर से है, चलते हैं। ये है होटल यहाँ का, खड़ी चढ़ाई है भाई क्योंकि पूरा पहाड़ है ये, हम पहाड़ों में चढ़ाई कर रहे हैं, पहाड़ का आनंद ले रहे हैं भाई। यहाँ पे ना बाइक रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, रख तो लोगे लेकिन जब मोड़ कर लेके जाओगे ना उस समय हालत ख़राब हो जाता है। सांस फूल गए भाई इतने में चढ़ाई करके। और यहाँ पे तिब्बती लोग रहते हैं लगता है, घर बने हुए हैं उस साइड भी। और वेदर देखे यहाँ का भाई साहब, कभी भी बारिश हो सकता है कभी भी। ये देखिए टेंपल दलाई हिल्स, बेहद खूबसूरत दिख रहा है ये टेंपल। तो गाइस कैसा लग रहा है टेंपल कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं भूटान पर आ गया हूँ। भूटान भी जाएंगे, मसूरी का आनंद लीजिए भाई। हिल्स किधर है, आगे साइड में है, सबसे टॉप में चलेंगे अपन। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ओ हो भाई साहब
मतलब कि मसूरी जो है ना, दिल जीत लिया भाई हमारा। यहाँ पे इतने घने घने पेड़ पौधे हैं, खूबसूरत से नज़ारे हैं और ठंड है, स्पेशली तो ठंड है। हम लोग अभी ऋषिकेश में थे, हरिद्वार में थे, तो वहाँ पे इतना ठंड नहीं था, लेकिन यहाँ पे भाई बेहद सुकून मिल रहा है, मतलब कि गर्मी से राहत मिल चुका है अपने को। अब फ़िलहाल अपन उधर चलते हैं आगे की ओर। तो ये देखो यहाँ पे सीढ़ी दी गई है। अरे तेरे की क्या हवा चल रही है भाई, सबसे टॉप में चलते हैं और ऊपर से खूबसूरत सा व्यू दिखलाते हैं यहाँ का। अब हिल्स है तो जाहिर सी बात है आपको व्यू तो देखने को मिलेगा ही, गजब वाला। इसीलिए तो हम लोग आए हैं ये जगह को देखने के लिए। तो जितने भी पॉइंट मैं दिखला रहा हूँ कि कैसे जाना है कैसे आना है, तो आकर आसानी से घूम सकते हैं। चलते जाते हैं। इधर देखिए नज़ारे हल्का फुल्का, और यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, नए हाइट में रहते हैं भाई। सोचो पानी बरसात में, बरसात के दिनों में कैसे रहते होंगे इतने हाइट में। ओहो सांस फूल जा रहा है। वैसे ऑलरेडी इतने सारे लोग नीचे उतर रहे हैं यहाँ का नज़ारा का लुत्फ़ उठाकर। बस थोड़ा सा और बचा है, फिर नज़ारे दिखलाते हैं आपको। ओहो देव भाई तो चले गए उस साइड। ये देखो नज़ारे, बेहद खूबसूरत नज़ारा। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चाय गरम चाय। इस साइड का नज़ारा देखो आप, बेहद खूबसूरत नज़ारा। फिलहाल इधर भी देख लेते हैं, इधर तो कुछ नहीं है, वो टॉप में चलते हैं। मस्त मज़ा आ रहा भाई, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गाइस तो देखे ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए भाई साहब। तो चलिए सबसे टॉप में चलते हैं अपन, नज़ारा दिखलाता हूँ मैं। चलते जाते हैं, वहाँ पे बुद्ध भगवान जी का स्टैचू है। सही है भाई, पैसे वसूल है यहाँ पे, आना व्यर्थ नहीं जाएगा आपका मसूरी आना। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, घूमने के लिए। ये देखो सबसे हाइट में आ चुके हैं हम लोग। देन ये बुद्ध टेंपल, बुद्धा जी, क्या बात है, बेहद ही खूबसूरत दिख रहा है बुद्धा जी। देन आसपास का भी एरिया आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ। ये देखो नज़ारे भाई साहब, क्या खूबसूरत से नज़ारे हैं। सबसे हाइट में आ गए ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये हिल्स हैं तो जाहिर सी बात है सबसे हाइट में होगा। सबसे अच्छा तो बुद्धा जी लग रहे हैं। देन इतनी सारी पब्लिक है यहाँ पे, तो लिखा भी हुआ है दलाई हिल्स पहाड़ के बारे में, तो पढ़ लीजिएगा। और इधर भी देखिए वो टेंपल नज़र आ रहे हैं, उस टेंपल पर हम लोग गए थे थोड़ा देर पहले। इस साइड भी लोग गए हुए हैं भाई, क्या बात है, कुछ लोग तो इस साइड भी गए हुए हैं। बेहतरीन बेहतरीन नज़ारा है। और यहाँ पे स्टेडियम बना हुआ है, क्या बात है। अभी कैमरा बंद करने का मन नहीं कर, इतना खूबसूरत लोकेशन पर है ये दलाई हिल्स। देखो इतना रिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुकान भी खुले हुए हैं भाई उस साइड में।
तो वैसे तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप कि वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग।